हेलो एंड वेलकम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं कि डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे और इनको मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के जरिए भी समझा दूंगा कि हमारे पास डेटाबेस कहाँ पे आती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे रिजाइड कर रहा होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस की डेफिनेशन से। सबसे पहले मैं आपको ओरली बताता हूं कि डेटाबेस एक्चुअली क्या होती है, उसके बाद हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। हमारे पास जो एक्चुअली डेटाबेस होती है, ये वो जगह होती है जहां पे हमारा सारा डेटा क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं और फेसबुक पे कुछ अपलोड करते हैं, पिक्चर्स और वीडियोस और अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो वो एक्चुअली कहां पे स्टोर हो रही होती है, वो आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती है। आप देखें, आप अगर फेसबुक का अकाउंट लॉग इन करते हैं, आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड आपका कहाँ पे स्टोर है, वो डेटाबेस में स्टोर है। डेटाबेस से फेच होके आ रहा है, वो चेक कर रहा है कि आया कि जो डेटा आपने इन किया है क्या वो मैच कर रहा है जो डेटाबेस में आपका डेटा, डेटाबेस में डेटा स्टोर है। अगर तो मैच कर रहा है तो आपको डेटा की एक्सेस दे देता है, फर्दर मोर आपकी प्रोफाइल की तरफ ले जाता है। प्रोफाइल में फर्दर जो आपकी लीगल इंफॉर्मेशन होती है, जितनी आपकी एक्सेस है, वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन दिखा देता है। बेसिकली वो डेटा कहां से फेच करके आपको दे रहा है, वो डेटाबेस से फेच करके दे रहा है। अपलोड किसने किया है डेटाबेस में, वो आपने किया। बैकएंड पे आपके पास बेसिकली डेटाबेस ही होती है जहां पे आपका सारा डेटा क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह हर एप्लीकेशन की एक डेटाबेस होती है जहां पे उसका डेटा क्या हो रहा होता है, मैनेज हो रहा होता है या स्टोर हो रहा होता है। व्हाट्सएप की भी डेटाबेस है, आप देखते हैं बैकअप वगैरह लेते हैं तो आपका डेटा कहां पे स्टोर है, बेसिकली वो डेटाबेस में ही आपका डेटा स्टोर होता है। आप देखेंगे व्हाट्सएप के इंटरनल में जाके देखें ना, व्हाट्सएप फोल्डर में तो आपके पास एक डेटाबेस का भी फोल्डर मिलता है, तो वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी डेटाबेस, सारी चैट और इंफॉर्मेशन आपकी उस डेटाबेस में पड़ी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सारा काम जो है ये डेटाबेस के जरिए हो रहा होता है। डेटाबेस वो जगह जहां पे हमारे पास सारा डेटा स्टोर होता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डेटाबेस एक्चुअली क्या होती है। हमारे पास अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है हमारे पास। ऑर्गेनाइज्ड क्यों होता है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि जितना भी डेटा हम अपलोड करते हैं वो वेल वे में ऑर्गेनाइज होता है, जहां पे जाके स्टोर होता है। ये नहीं है कि वो रैंडमली पड़ा होता है कहीं भी जाके, मतलब स्टोर होता है, नो, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्यों ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड, क्योंकि उस डेटा को दोबारा हमने एक्सेस करना होता है, यूज करना होता है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है डेटाबेस में जाके, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें। मैनेज मीन्स दैट अगर हमने डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है या अल्टर करना है डेटा में, तो वो इजीली हो सके, इसलिए वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अच्छे तरीके से क्या किया हुआ होता है, ऑर्गेनाइज्ड। कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। बेसिकली डेटाबेस में जो डेटा हमारा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड के मॉडल्स हैं डेटाबेस के, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है वो टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। यानी कि जो भी डेटा आप इन करते हैं वो टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में, और उसमें इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप टेबल बनाते हैं तो उसमें ईच सेल क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उस इंडेक्सेस पे पड़ी होती है। इट टू मेक इट इजियर टू फाइंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, इसलिए डेटा जो हमारा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका रोल नंबर पता है, आपके रोल नंबर के आगे आपका नेम लिखा हुआ है, आपका फादर नेम लिखा हुआ है, CNIC लिखा हुआ है, और सारी इंफॉर्मेशन आपकी अकेडमी की लिखी हुई। अगर मुझे आपका रोल नंबर मिल जाता है तो मैं सारी आपकी लीगल या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाऊंगा। इसी तरह हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, ताकि हमें प्राइमरी की अगर मिल जाए तो हम सारे
डेटा को क्या कर सकें, अपने एक्सेस कर सकें। तो इसलिए डेटा जो हमारा होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। डेटाबेस हैंडलर जो होता है वो क्या करता है, क्रिएट अ डेटाबेस इन सच अ वे, मतलब कि डेटाबेस हैंडलर जितनी भी डेटाबेस होती है, आपका डेटा होता है, उसको इस वे में वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, दैट ओनली वन डेटा सेट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस ऑफ डेटा टू ऑल द यूजर, जितने भी उसके यूजर होते हैं उनको एक्सेस दे सके। बेसिकली ये डेटाबेस हैंडलर का काम होता है, जो डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस इज टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सॉर्टिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग डेटा। बेसिकली मेन पर्पस जो डेटाबेस का होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूज फॉर्म में होता है, लार्ज फॉर्म में होता है, उनको मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हमारे पास डेटाबेस यूज होती है। क्योंकि अगर हमारा इतना ज्यादा डेटा है तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस के जरिए उस सारे डेटा को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसको रिट्राइव का मतलब है एक्सेस करते हैं हम, और मैनेज करते हैं तमाम के तमाम डेटा को। बेसिकली ये पर्पस होता है डेटाबेस का, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होता है उसको मैनेज हम किसके जरिए करते हैं, डेटाबेस के जरिए, ताकि इजीली हम उसको सॉर्ट कर सकें, रिट्राइव कर सकें और मैनेज कर सकें। ये डेटाबेस का क्या था, हमारे पास पर्पस था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, ये किसी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली एक डेटाबेस है। डेटाबेस जैसा कि मैंने बताया टेबुलर फॉर्म में होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये देखिए ना, ये क्या है, कंपनी है, ये कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट नेम है उनका, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट है, एड्रेस है, सिटी नेम है, जिप कोड है, ईमेल है, फोन नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर क्या है, स्टोर है। जिस तरह आप अपनी फेसबुक का अकाउंट बनाए और अपनी इंफॉर्मेशन दें, तो वो भी जाके डेटाबेस में इस तरह क्या होगी, स्टोर होगी। उसके बाद आप जब उसको एक्सेस करेंगे तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन की एक्सेस दी जाएगी, ताकि आप उसको मॉडिफाई अगर करना चाहें या व्यू करना चाहें तो आप उसको व्यू कर सकें। बेसिकली डेटाबेस में डेटा इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो ये एक टेबल है, मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, तो लॉट ऑफ डेटा होता है। ये सारा डेटा किसके जरिए मैनेज हो रहा है, डेटाबेस के जरिए, ठीक है, डेटाबेस में मतलब के स्टोर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हमने डेटाबेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले तो मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को क्या करता है, मैनेज करता है, उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो दैट्स मीन वो सिस्टम जो डेटाबेस को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं, लाइक माई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ये क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं। डेटाबेस एक अदर चीज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अदर चीज है। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो वो टूल है जो डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज है, उसकी मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग चीज है। मैनेजमेंट सिस्टम उस ऑर्गेनाइज को क्या कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है कि उसको सही से ऑपरेट कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, आई होप आइडिया आपको क्लियर हो। डेटाबेस वो जगह जहां पे डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है, उस सारे डेटा को क्या कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। जब भी डेटा आता है डेटाबेस से, पहले वो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताता है कि आपको इस जगह पे जाके स्टोर होना है, इस तरह जाके स्टोर होना है। तो ये काम किसका होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। बेसिकली ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये दरमियान में आता है। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम, उससे आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस इनकमिंग डेटा, जो भी डेटाबेस में से डेटा आता है या डेटाबेस में स्टोर होने के लिए जाता है, वो कहाँ पे मैनेज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इट, उसको ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा होता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा होता है। एंड प्रोवाइड वेज फॉर द डेटा टू बी मॉडिफाइड और
extracted by the user or other programs means that ki kaun provide karta hai access database management system actually usme se data ko modify extract aur access deta hai ki aap ye data ko use kar sakte hain ye database management system ka actually kaam hota hai ki modification karni hai to hum matlab ki sabse pehle jo request kisko karte hain database management system ko karte hain database management system wahan se data deta hai usme modification hoti hai aur dobara se submit kar dete hain block diagram se aapko mazid samajh aa jayegi jaise ki some database management systems ki example hai jaise ki mysql aap use karte hain database banane ke liye to basically this is the database management system microsoft access hai aapne MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये इसमें भी हम डेटाबेस अपनी बना सकते हैं उसके बाद एसक्यूएल सर्वर है फाइल मेकर है यहाँ पे ओरेकल है डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास आरडीबीएमएस है डिफरेंट टाइप के हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनको यूज करते हुए हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं ये टूल्स हैं एक्चुअली जो डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं मैनेज कर रहे होते हैं अब हम ब्लॉक डायग्राम की तरफ मूव करते हैं ये देखें ये हमारे पास डेटाबेस है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे यूजर है और एप्लीकेशन है अब यूजर या एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रही है लाइक पासवर्ड वगैरह हमने लगाया तो सबसे पहले वो कहां पे जाएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोवाइड चेक करेगा कि ये डेटा मैच हो रहा है तो उसको लॉगिन होने की इजाजत देगा अदरवाइज नॉट बेसिकली यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है ये डेटाबेस है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूजर्स हैं जो डेटाबेस को क्या करते हैं यूज करते हैं आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है डेटाबेस वो जगह जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली वो टूल्स होते हैं जो डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं मैनेज कर रहे होते हैं दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है तो फर्दर मोर इंशाल्लाह हम जब कमिंग लेक्चर हम देखेंगे उसमें कहीं पे अगर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे इसके तो मैं आपको रिकॉल भी करवा दिया करूंगा कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस ये इस जगह पे क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है तो इनको आप अच्छे से कर लें आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा अगर ये आपको लेक्चर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये आईटी सीरीज को C++ की मैंने सीरीज तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है मैं फर्दर मोर सीरीज को अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताकि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें और डेटाबेस की जो कमिंग वीडियो है वो आप तक मिलती रहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़